मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम आपको दो सिस्टर्स मिष्ठी एंड मोही के बारे में बताते हैं। मोही अपनी थिंग्स सबसे शेयर करती थी और मिष्ठी अपनी थिंग्स बिल्कुल शेयर नहीं करती थी। आइए सुनते हैं मिष्ठी, मोही और उनकी मम्मा का कॉन्वर्सेशन। मोही मोही, देखो मुझे आज ना स्नेहिल के बर्थडे में चॉकलेट मिली है। वाओ, सच अ बिग चॉकलेट। मिष्टी मिष्टी, मुझे भी दो ना। मैं तो इसे अकेले ही खाऊंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। क्यों मिष्टी, क्यों नहीं दोगी चॉकलेट? मुझे मिलती है तो मैं नहीं देती हूँ? मैं तो देती हूँ ना तुमको खाने को, तो मुझे भी चाहिए। अरे अरे, क्या हो रहा है मोही मिष्टी, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? देखो ना मम्मा, मुझे मिष्टी चॉकलेट नहीं दे रही है। मम्मा, ये मुझे मिली है, मैं क्यों शेयर करूं? मैं तो इसे अकेले ही खाऊंगी, पूरी की पूरी। मिष्टी, तुम तो बिल्कुल मीकू मंकी की तरह बातें कर रही हो। कौन मीकू मंकी मम्मा? मीकू मंकी भी अपनी थिंग्स बिल्कुल शेयर नहीं करता था। मिष्टी मीकू मंकी। नो नो मोही बेटा, डोंट टीज मिष्टी लाइक दिस। अब मैं तुम लोगों को मीकू मंकी की स्टोरी सुनाती हूँ। लॉन्ग अगो एक फॉरेस्ट में मीकू नाम का एक नॉटी मंकी रहता था। एक दिन उसने सोचा, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गया, चलो सिटी घूम के आता हूँ आज। मैं हूँ मीकू नटिकट, मैं तो चला शहर सरपट। सिटी में मीकू मंकी को एक बिग हाउस दिखाई दिया। ओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, मन करता है यहीं रुक जाऊं। तभी घर के अंदर से एक आवाज आई, हु इज देयर, कौन घुस आया है घर के अंदर? ये आवाज सुनकर मीकू डोर के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि एक टेबल पर एक बॉक्स रखा है और बॉक्स में एक लार्ज राउंड चीज रखी है। ही पिक्स इट अप और वो सोचने लगता है, व्हाट इज दिस, इट्स राउंड लाइक अ बॉल एंड स्मेल सो स्वीट, इट्स ब्राइट एंड येलो एज द सन, आई वांट टू ईट इट। ऐसा सोचते सोचते मीकू मंकी फॉरेस्ट की ओर चल देता है। मैं हूँ मीकू नटिकट, मैं तो चला शहर सरपट। ऑन हिज वे ही सॉ मिली द रैट। मिली रैट को देखकर मीकू लड्डू को छुपा लेता है। मीकू भैया, आप क्या हाइड कर रहे हैं? नथिंग नथिंग, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मीकू भैया, इट स्मेल्स सो गुड, मुझे एक बाइट खिला दो ना प्लीज। नो, इट्स माइन ओनली और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। और इतना कहते ही मीकू मंकी जंप करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे इनू मीनू नाम की टू बर्ड्स मिलती हैं। वेयर आर यू गोइंग मीकू भैया? वाओ, दिस बॉल इज सो ब्यूटीफुल, भैया प्लीज दे दो ना मुझे खेलने के लिए। नो, इट्स नॉट फॉर प्लेइंग, समझी इनू मीनू? अब अपने इस लड्डू को कहां छुपाऊं सबसे बचा के?
ये जगह खाली लग रही है, इसी खोखल में छुपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। After some time, जब पिंकी गिलहरी अपने खोखल में लौटती है तो वो उस लड्डू को वहाँ देखती है। Wow, such a big लड्डू! लगता है किसी ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट किया है, क्यों ना इसे सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए। इनो, मीनो, कम हियर, जल्दी आओ तुम सब लोग, और मिली तुम भी आओ, तुम सबके लिए सरप्राइज है। यस पिंकी स्क्विरल, आ रही हूँ। अरे मैं भी आ रही हूँ, रुको, मैं भी आ रही हूँ। थोड़ी ही देर में सारे फ्रेंड्स दौड़ते हुए पिंकी गिलहरी के पास पहुँच जाते हैं। तो ये है स्वीट सरप्राइज। It's so yummy. Really, Millie? It's so tasty. वाह पिंकी, मजा आ गया। Next day, जब मीकू मंकी अपना लड्डू खाने आता है तो मिली, इनू, मीनू सब कहते हैं, मीकू भैया आपने तो मिस कर दिया। हाँ मीकू भैया, yesterday पिंकी गिलहरी ने ग्रैंड पार्टी दी थी जिसमें डिलीशियस लड्डू खिलाया था हम सबको। ये सुनते ही मीकू मंकी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। अरे कहीं ये मेरे लड्डू की बात तो नहीं कर रहे हैं। एंड व्हेन मीकू मंकी रीच्ड द ट्री होल, वो शॉक्ड हो जाता है। नाउ मीकू मंकी रिग्रेट्स। मीकू मंकी को बहुत पछतावा हुआ। ओ माई टेस्टी लड्डू, काश मैंने तुम्हें पहले ही खा लिया होता। आई रियली मिस यू माई लड्डू। तो देखा ना मिष्टी मोही, अपनी थिंग्स शेयर ना करने का नतीजा। मीकू मंकी ने अपना लड्डू शेयर नहीं किया और उसके साथ क्या हुआ। Whereas पिंकी स्क्विरल ने अपना लड्डू सभी के साथ शेयर करके खाया तो सबने कितना एंजॉय किया। शेयरिंग के अपने मजे हैं। सो चिल्ड्रन, आप भी अपनी थिंग्स को अपने ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और शेयरिंग के मजे लीजिए।